हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास है टेबल फैन का गड्ढा, जो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है ना वायर नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हो ये हीरो कंपनी का है, लोकल कंपनी का है पंखा है ये टेबल फैन। और इसमें क्या है कि एल्युमिनियम कॉइल लगा हुआ है, इसीलिए इसमें जो है वायर जो है नहीं आ रहा है। ये इतने वायर में से दो तीन आ रहा है, कंडेंसर वाला नहीं आ रहा है। जो कि कंडेंसर जुड़ेगा वो वायर नहीं आ रहा है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। हमारे पास हमारे चैनल पे सभी प्रकार का वीडियो अपलोड होते रहता है, जैसे कि ट्रैक्टर का हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक का भी वीडियो अपलोड होता है, टेक्निकल का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये इस तरह से पंखा है तो सबसे पहले कोई भी पंखा है तो आप लोग क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले वायर चेक करना चाहिए, कॉइल का कॉइल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़्यादातर से प्रॉब्लम आता है कॉइल का, तो कॉइल को चेक करके इसके बाद आप लोग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले खोल देते हो तो फिर मिस हो जाता है, तो क्या होता है कि आपको पैसे लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा कम भी दे सकता है। ऐसे में पहले चेक रहेगा तो जितना बोलेगा उतना देगा वो कंपलसरी, ठीक है। तो इसको हम फटाक से खोल लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको हम खोल दिए हैं, पूरा ओपन कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको धागे से बंधा हुआ है उसको हम कट करेंगे, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो सकता है, यहीं पे वायर कटा हुआ मिल सकता है। तो यहीं पे सबसे पहले खोलेंगे, तो इसको हम जल्दी खोल लेते हैं, इसके बाद दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है वो दिखाएंगे, क्योंकि अकेला नहीं पकड़ना पड़ता है, ये नहीं कर पाएंगे पूरा डेमो देखा करके। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, जल्दी से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को दिखाए थे इसमें वायर नहीं आ रहा था, यहीं से कट हुआ था। ये दो कॉइल जो वायर येलो और ब्लैक बोले बताए थे वही वायर खत्म था, नहीं आ रहा था। अब देख सकते हो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप लोग देख सकते हो इस तरह तरीके से वायर का जोड़ी पे खराबी रहता है ये फाइन में। एल्युमिनियम कॉइल वाला पंखा है तो यही से प्रॉब्लम आता है, जिससे ज्वाइंट रहता है उसी से एल्युमिनियम में कट रहता है, गल जाता है ठीक होने का कारण। तो उसको खोल के आप लोग वहीं से जोड़ देंगे तो चलने लगेगा। तो मेरा फैन जो है ओके हो गया, उसको हम फिर से फिट कर देते हैं, क्योंकि फैन ओके हो गया, उसके बाद चला करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। फटाक फटाक हम लगा लेते हैं इसमें वायर, बांध लेते हैं फिर से। तो फाइनली दे करके आ गया, पूरा फिट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। इसको हम ऑन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये फैन मेरा रेडी हो गया। इसको हम पूरा फिटिंग कर देंगे, इसे पूरा फिटिंग कर चुके हैं, और पूरा जाल ताल लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम पूरा फिट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से पंखे लगा करके ऑन करके दिखाएंगे आपको, जब तक हम वीडियो को रोक लेते हैं, ठीक है। तो पूरा फिट करने के बाद ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा हम फिटिंग कर चुके हैं इसको। अब इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कितना फास्ट में चलता है।
तो आप लोग देख सकते हो जब फैन ऑन हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलेंगे आज फिर से नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।